पश्चिम रेलवे स्टेशन डावला में जन शताब्दी एक्सप्रेस का घेरा करवाने बाबत जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री भारत सरकार सीकर सांसद सुमेधानंद महाराज के नाम से स्टेशन अधीक्षक के द्वारा ज्ञापन सौंपा, जिसमें डावला बिहार बिहारीपुर नाथा की नांगल डूंगा की नांगलगढ़ धोकर करो श्यामपुरा इत्यादि ग्राम पंचायतों के सरपंचों में भी इसमें भाग लिया तथा जन शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव के लिए ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि इस गाड़ी का ठहराव डावला में सुनिश्चित ज्ञापन देने वालों में वीर चक्र जयराम सिंह तवर बनवारी लाल यादव भवानी सिंह पवार नरेंद्र लोग आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। पंचायत ने आज ज्ञापन दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो आपने ज्ञापन दिया है मैं मेरे संबंधित अधिकारियों को व्हाट्सएप कॉपी मैंने तुरंत भेज दी है और हार्ड कॉपी कल सुबह भेज दी है और आपकी जो भी समस्या है उसको मैं मोबाइल पर भी बात करके उनको समझा जी और आपकी समस्या का समाधान कोशिश करेंगे। आप इसको कोशिश करेंगे? आपने रेलवे के अधिकारियों तक इसको अभी ज्ञापन लेते ही आपने भिजवा दिया? ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को मैंने तुरंत व्हाट्सएप कर दिया है, हार्ड कॉपी कल सुबह में भेज दी जी। जन शताब्दी जो ट्रेन है ये डावला में इसका ठहराव नहीं है तो क्या लगता है कि यात्रियों को देखते हुए यहाँ पे इसका ठहराव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ पैसेंजरों की संख्या लगभग 200-250 है प्रतिदिन जी, और इस हिसाब से यहाँ रुकनी चाहिए और यहाँ की इनकम लगभग 25-30 लाख प्रतिदिन है, उस हिसाब से यहाँ की जनता के हिसाब से रोकनी चाहिए। क्या ये आप अपनी तरफ से अपने अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाएंगे कि डावला में इसका ठहराव सुनिश्चित किया जाए? हर मंथ हम हमारी सूचना भेजते हैं संबंधित अधिकारियों को, रिकॉर्ड रहता है कितनी अर्निंग है कितनी पैसेंजर है सब भेज दिया जाता है। आज उत्तर पश्चिम रेलवे के डावला रेलवे स्टेशन पे बिहारीपुर